हाय फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन का ये सातवां लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ वैन एट अ हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग फॉर सेफली टर्न। किसी गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे कितना होना चाहिए ताकि वो सेफली टर्न कर सके। और ये सब पढ़ेंगे मोर देन टू व्हील यानी कि दो चक्के से ज्यादा चक्के वाला गाड़ी के लिए, ठीक। और फिर पढ़ेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एट अ टर्निंग। किसी टर्निंग पे रोड को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा दिया जाता है, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एट अ टर्निंग। तो रोड को टर्निंग पे कुछ एंगल पे क्यों उठा दिया जाता है, इसका रीजन भी समझेंगे। और इसी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ वेल, मौत कुआं के अंदर मोटरसाइकिल या कार आसानी से घूम लेता है मौत कुआं के वॉल पे, पर वो नीचे नहीं गिरता, इसका रीजन भी समझेंगे। और फिर देखेंगे स्पीड ऑफ बाइसिकल या मोटरसाइकिल जिसमें दो चक्का होता है एट अ टर्निंग फॉर सेफली टर्न। मोटरसाइकिल या साइकिल जिसमें दो चक्का होता है उसका स्पीड टर्निंग पे कितना होना चाहिए, सर्कुलर टर्निंग पे कितना होना चाहिए मैक्सिमम ताकि वो सेफली टर्न कर सके, ठीक। और फिर देखेंगे टॉपलिंग ऑफ अ वैन एट अ सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्निंग, सर्कुलर टर्निंग पे मोर हाइट यानी कि ज्यादा हाइट वाला गाड़ी जब सर्कुलर टर्निंग पे टर्न करता है तो रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में टॉपलिंग करने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर ज्यादा स्पीड से ज्यादा हाइट वाला गाड़ी सर्कुलर टर्न पे टर्न करता है तो रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में टपल भी कर जाता है, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे टपल कर जाएगा। तो इसका रीजन भी समझेंगे कि ज्यादा हाइट वाला गाड़ी सर्कुलर टर्निंग पे रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में टपल क्यों कर जाता है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं, किसी गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए सेफली टर्निंग के लिए हॉरिजेंटल टर्निंग पे। आइए, तो देखिए एक हॉरिजेंटल रोड है और हॉरिजेंटल रोड पे एक जगह पे हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग है। इस तरह से हॉरिजेंटल रोड पे हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग, इस तरह से इस सर्कुलर टर्निंग को अगर पूरा करेंगे तो इसका सेंटर इधर कहीं पे आएगा और ये होगा इस सर्कुलर टर्निंग का रेडियस आर। और इस सर्कुलर टर्निंग पे एक गाड़ी चल रहा है, ये बस ट्रक या कार कुछ भी हो सकता है, और इस गाड़ी का मास मान लेते हैं एम है। और इस सर्कुलर टर्निंग पे इस गाड़ी का टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लेते हैं वी है, इस गाड़ी का टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लेते हैं वी है। तो ये गाड़ी इस वक्त सर्कुलर टर्निंग पे भी वेलोसिटी से चल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे इस टर्निंग पे। तो इस गाड़ी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में। तो इस गाड़ी पे रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv² / r, ये r है इस सर्कुलर टर्निंग का रेडियस और ये भी है सर्कुलर टर्निंग पे गाड़ी का टेंजेंशियल वेलोसिटी ये। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ये गाड़ी रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में स्किड करने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा या फिर भागेगा भी। तो इस गाड़ी के टायर पे, रोड और टायर के कॉन्टेक्ट में इस गाड़ी के टायर पे
फ्रिक्शन फोर्स आएगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। इस गाड़ी को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भागने से बचाने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये म्यू है गाड़ी के टायर और रोड के कॉन्टैक्ट का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और ये नॉर्मल रिएक्शन है गाड़ी के टायर और रोड के बीच कॉन्टैक्ट का दबाव। तो गाड़ी हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे इस तरह से चल रहा है, घूम रहा है, तो इस गाड़ी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और गाड़ी के टायर पे रोड और टायर के बीच के कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन दबाव वर्टिकली अपवर्ड होगा। और इस गाड़ी का मोशन रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस गाड़ी पे फोर्स बैलेंस होगा, तो वेट बराबर नॉर्मल रिएक्शन। तो इस गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस गाड़ी पे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, और ये दोनों फोर्स बैलेंस होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg। तो f लिमिटिंग का वैल्यू आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि mg। ये इस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg। तो यहां पे एक चीज देखिए, इस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है, ये म्यू कांस्टेंट, इस गाड़ी का मास कांस्टेंट, और ये जी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इस गाड़ी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी है, इस गाड़ी का वेलोसिटी है, और इस गाड़ी का वेलोसिटी इस टर्निंग पे हम कितना भी कर सकते हैं, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इससे ज्यादा हो गया तो ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। तो स्किडिंग से बचाने के लिए, अगर इस गाड़ी को इस डायरेक्शन में स्किड नहीं कराना है, तो इस वेलोसिटी को उतना ही रखो ताकि ये क्वांटिटी mv स्क्वायर बाय r म्यू mg से कम रहे। अगर म्यू mg से ज्यादा हो गया ये क्वांटिटी, तो ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। तो स्किडिंग नहीं करने के लिए, फॉर नो स्किडिंग इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करने के लिए mv स्क्वायर बाय r कम होना चाहिए इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, म्यू mg से। mv स्क्वायर बाय r लेस होना चाहिए म्यू mg से, लेस या इक्वल भी होगा तो भी चलेगा। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गया तब भी ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करेगा, बस ये क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे, ठीक। तो यहां से ये वेलोसिटी निकालते हैं कि ये वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि ये गाड़ी स्किडिंग से बचा रहे। तो m से m कटेगा और v स्क्वायर लेस या इक्वल r इंटू म्यू जी, r इंटू म्यू जी। तो v लेस या इक्वल होना चाहिए अंडर रूट म्यू जी आर से, इससे अंडर रूट म्यू आर जी से कम या फिर अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर है ये वेलोसिटी, तो ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने से बचा रहेगा। लेकिन अगर ये वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा हो गया, ये वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा हो गया, तो ये गाड़ी इस डायरेक्शन में भाग जाएगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल भारी पड़ जाएगा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, ठीक। तो स्किडिंग से बचने के लिए इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो यहां पे दिख रहा है कि गाड़ी का वेलोसिटी म्यू अंडर रूट म्यू आर जी से कम होना चाहिए
या फिर अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर होना चाहिए, म्यू आर जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू स्केटिंग से बचने के लिए अंडर रूट म्यू आर जी इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया ये भी, तो ये गाड़ी इस डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से। आइए अब इसमें समझ लेते हैं कि यहां पे जो ये फ्रिक्शन लग रहा है ये स्टैटिक है या काइनेटिक है। आइए तो यहां पे लिख लेते हैं फॉर नो स्कीडिंग स्किड नहीं करने का ये कंडीशन है कि ये वेलोसिटी, इस गाड़ी का वेलोसिटी कम होना चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा बराबर होना चाहिए अंडर रूट म्यू आर जी से। तो ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करेगा। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन इसको संभाले हुआ है उधर भागने से। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में इसका मोशन नहीं है। तो इतने वेलोसिटी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अगर वेलोसिटी, और अगर इस वेलोसिटी को ज्यादा कर देंगे अंडर रूट म्यू आर जी से, तो क्या होगा? तो ये सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अगर कंडीशन इसका उल्टा हो गया तो ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। तो इस कंडीशन पे गाड़ी स्किड कर जाएगा, स्किड इन रेडियली आउट वार्ड डायरेक्शन। तो इस कंडीशन पे गाड़ी रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में इस गाड़ी का मोशन हो रहा है, यानी कि स्किडिंग करते वक्त जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो वेलोसिटी अगर अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा है तो इस गाड़ी के टायर पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इस गाड़ी के टायर पे, इस सर्कुलर टर्निंग पे कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इतना समझ में आया होगा। आइए अब इस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। आइए तो देखिए, एक क्वेश्चन है, ये एक सर्कुलर टर्निंग है, इस सर्कुलर टर्निंग का रेडियस 5 मीटर है और इस पे एक गाड़ी चल रहा है और इस गाड़ी के टायर और रोड के कांटेक्ट का म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी इस टर्निंग पे कितना होना चाहिए ताकि ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने से बच जाए। तो भी मैक्स अभी अभी हम लोग स्किडिंग से बचने के लिए देखे हैं, ये आता है अंडर रूट म्यू आर जी हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे। तो भी मैक्स निकाला जा सकता है यहां से, ये आएगा अंडर रूट म्यू का वैल्यू 0.5, रेडियस ऑफ इस सर्कुलर टर्निंग का रेडियस 5 है और जी का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे। तो इस पॉइंट से ये 10 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और अंडर रूट 25 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस गाड़ी का वेलोसिटी इस सर्कुलर टर्निंग पे, 5 मीटर रेडियस के सर्कुलर टर्निंग पे 5 मीटर पर सेकेंड आया। अगर इस गाड़ी का टेंजेंशियल वेलोसिटी
टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा कर देंगे 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। तो स्किड कर जाएगा तो इस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर वेलोसिटी कम कर देंगे या फिर बराबर रखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड के, तो इस कंडीशन पे ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में इस गाड़ी का मोशन नहीं होगा इस कंडीशन पे। तो इस कंडीशन पे इस गाड़ी के टायर पे जो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक, इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी इस टर्निंग पे 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा, और इससे कम हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड से कम हुआ, तो अच्छी बात है, आसानी से टर्न कर जाएगा। ठीक, आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग है, इस टर्निंग पे एक गाड़ी चल रहा है, इस गाड़ी का मास है 50 kg और इस सर्कुलर टर्निंग का रेडियस 50 मीटर और इस गाड़ी का टेंजेंशियल वेलोसिटी इस सर्कुलर टर्निंग पे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और ये गाड़ी इस सर्कुलर टर्निंग पे एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि इस वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है और इस गाड़ी का एक्सीलरेशन इस सर्कुलर टर्निंग पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, तो इतना चीज गिवन है और इसमें पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। For no skidding, यानी कि ये गाड़ी स्किड नहीं कर रहा है, ये पता है स्किड नहीं कर रहा है, तो इस गाड़ी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस गाड़ी पे फोर्स क्या कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। ये गाड़ी हॉरिजेंटल टर्निंग पे चल रहा है तो गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये दोनों फोर्स तो बैलेंस होगा वेट और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस गाड़ी का मोशन रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। और इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में mv² / r और ये गाड़ी एक्सीलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन है इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसका मतलब इस गाड़ी पे इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स है। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन में तो फोर्स होगा ही होगा, तो इस डायरेक्शन में इस गाड़ी पे फोर्स है ma और इस गाड़ी का मास है 50 kg और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस डायरेक्शन में फोर्स है 50 × 2 = 100 न्यूटन का। ठीक, और इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² / r, मास है 50, v² यानी कि 10² = 100 और / r यानी कि रेडियस 50, तो यहां पे भी 50 से 50 कट जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 100 न्यूटन आया। यानी कि इस गाड़ी को अगर देखें तो इस गाड़ी पे इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स है F = ma 100 न्यूटन और इस गाड़ी पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल भी 100 न्यूटन का है, तो इस गाड़ी पे एफ नेट कितना होगा। एफ नेट होगा इन दोनों का वेक्टर सम
और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 है, तो cos 90 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, 2ab cos थीटा वाला टर्म, तो ये रहेगा, तो f net आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 2 into 100 का स्क्वायर, तो 100 बाहर आ जाएगा इसमें से और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो 100 रूट 2 इतना न्यूटन आया एफ नेट, यानी कि इस गाड़ी पे नेट फोर्स इन दोनों फोर्स के बीच में कहीं पे आएगा और एफ नेट 100 रूट 2 न्यूटन इतना आया है। अब ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए इस वेक्टर को यहां पे चिपका देते हैं पैरेलल शिफ्ट, और ये है 100 न्यूटन का, तो ये होगा 100 न्यूटन का, और ये सेंट्रीफ्यूगल भी 100 न्यूटन का है, 100 न्यूटन का, तो यहां से 10 थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 10 थीटा इक्वल टू 100 बाय 100 यानी कि 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू ही 1 होता है, तो ये एंगल आया 45 डिग्री। तो यहां पे ध्यान से देखिए, इस गाड़ी पे एफ नेट 100 रूट 2 न्यूटन है और इस एफ नेट का डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पे है, तो ये गाड़ी इस डायरेक्शन में भागेगा या फिर भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पे आया, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकल गया, और इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये गाड़ी नेट फोर्स के डायरेक्शन में स्किड नहीं कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड नेट फोर्स के बराबर ही होगा, अभी तभी तो ये नेट फोर्स के डायरेक्शन में स्किड नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन इसको संभाले हुआ है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड यही होगा एफ नेट के बराबर 100 रूट टू न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एट अ टर्निंग। टर्निंग पे रोड को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे क्यों उठा दिया जाता है, इसका रीजन समझते हैं। तो आइए देखते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एट अ सर्कुलर टर्निंग। सर्कुलर टर्निंग पे रोड को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा दिया जाता है, क्यों उठा दिया जाता है इसका रीजन समझते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने से बचने के लिए इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स अंडर रूट न्यू आर जी इतना होना चाहिए। अगर इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी इस टर्निंग पे अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा हो जाएगा तो ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा, तो सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी इस टर्निंग पे अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए। अगर सेफली टर्न करने के लिए इस टर्निंग पे इस गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड बढ़ाना है, ज्यादा करना है, तो इस रेडियस को ज्यादा कर दो, इस सर्कुलर टर्न का रेडियस है ये आर,
तो सर्कुलर टर्निंग के रेडियस को ज्यादा करेंगे तो टर्निंग लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए यहां पे एक काम और कर सकते हैं, इस रोड को टर्निंग पे हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा देते हैं। तो हॉरिजेंटल के साथ टर्निंग पे रोड को कुछ एंगल पे उठा देंगे तब भी ये मैक्सिमम वेलोसिटी सेफली टर्न करने के लिए ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए देखिए, ये मान लीजिए एक रोड है, ये इस तरह से आया है नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, इधर से रोड आया है और नॉर्मली इनवर्ड फ्रॉम द बोर्ड चला गया है ऐसे, और यहां पे टर्निंग है इस तरह से, ये रोड है हॉरिजेंटल रोड। अब इसी टर्निंग को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे उठा दिए रोड को इस टर्निंग पे, और अब इस पे गाड़ी चलाएंगे, अब इस पे गाड़ी चलाएंगे। इसको मिटा देते हैं, तो इस गाड़ी के वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड फ्रॉम द बोर्ड है भी, वी वेलोसिटी से ये गाड़ी इस टर्निंग पे इस तरह से चल रहा है। इस सिंबल का मतलब होता है नॉर्मली इनवर्ड, इस सिंबल का मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और इस सिंबल का मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये तो ये गाड़ी इस तरह से भी वेलोसिटी से इस बैंक्ड सर्कुलर टर्निंग पे चल रहा है। तो इस गाड़ी के सर्कुलर मोशन का प्लेन ये होगा, और ये होगा इस सर्कुलर मोशन का रेडियस आर। इसको मिटा देते हैं, तो इस गाड़ी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, एम वी स्क्वायर बाय आर, और इस गाड़ी का वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस गाड़ी पे इस कॉन्टैक्ट में रोड और टायर के बीच कॉन्टैक्ट में इस गाड़ी पे कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। ये ठीक, अब ये गाड़ी इस रोड पे या तो सेफली टर्न करेगा, सेफली घूमेगा, या फिर अप द इंक्लाइंड प्लेन भागेगा, या फिर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा। तो इस फोर्स को mg का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइंड ले लेते हैं और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। तो इस वेट का mg का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और पैरेलल टू द इंक्लाइंड ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। इसी तरह से इस सेंट्रीफ्यूगल का भी दो कंपोनेंट लेंगे, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल का ये कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये कंपोनेंट आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ये अभी इसमें फ्रिक्शन नहीं लिए हैं, तो mg का और mv स्क्वायर का दो, mv स्क्वायर बाय r का दो दो कंपोनेंट ले लिए, तो अब इसको हटा देते हैं यहां से, फिगर में घोच-पोच हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो अभी एक चीज यहां पे देखिए, ये mv स्क्वायर बाय r cos थीटा अगर mg sin थीटा के बराबर होगा तो ये गाड़ी अप द इंक्लाइंड या डाउन द इंक्लाइंड नहीं भागेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे भागने का अगर ये और ये इक्वल हुआ तो, और अगर अप या डाउन भागने की कोशिश नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तब लगता है जब
कॉन्टेक्ट में मोशन होता है या फिर होने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन लगता है। अगर ये और ये बराबर हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टेक्ट में नहीं लगेगा। तो यहां पे अगर एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा बराबर होगा एम जी साइन थीटा के, तो इस कंडीशन पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। इस कंडीशन पे नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड। और इस कंडीशन से अगर वेलोसिटी निकालें तो ये वेलोसिटी आएगा एम से एम कटेगा और ये वेलोसिटी आएगा भी स्क्वायर इक्वल टू, ये कॉस थीटा इस तरफ जाएगा तो साइन थीटा और ये कॉस थीटा बाय में आएगा तो टेन थीटा और फिर ये जी और ये आर यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा आर, तो ये होगा भी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो भी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये अगर इतने वेलोसिटी से ये गाड़ी इस सर्कुलर टर्निंग पे चलेगा तो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा बराबर होंगे तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि इतने वेलोसिटी से अगर ये गाड़ी इस इंक्लाइंड प्लेन पे चलेगा इस सर्कुलर टर्निंग पे तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो रोड पे सर्कुलर टर्निंग पे लिखा रहता है कि दिस टर्निंग इज बैंक्ड फॉर 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर लिखने का मतलब यह हुआ कि यहां पे अगर वो लिखा हुआ वो नोटेड वेलोसिटी पुट करेंगे तो सर्कुलर टर्निंग का बैंक्ड एंगल मिलेगा ये थीटा। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा होगा तो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा में ये वेलोसिटी है तो ये फोर्स एम जी साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगा। इसको यहां पे लिख लेते हैं, अगर इस गाड़ी का ये वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट आर जी टेन थीटा के तो इतने वेलोसिटी पे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड। लेकिन यही वेलोसिटी अगर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा हो जाएगा, ये वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा से तो क्या होगा, तो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा ज्यादा हो जाएगा एम जी साइन थीटा से। तो ये गाड़ी अप द इंक्लाइंड प्लेन भागने की स्किड करने की कोशिश करेगा तो इस गाड़ी पे फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा। ये वेलोसिटी अगर और बढ़ाएंगे तो ये फ्रिक्शन और बढ़ेगा, वेलोसिटी और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, पर फ्रिक्शन का एक लिमिट है और ये वेलोसिटी हम कितना भी कर सकते हैं इस गाड़ी का इस टर्निंग पे। तो जिस वक्त एम जी साइन थीटा और इस डायरेक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों का एडिशन एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा उस वक्त जो इस गाड़ी का वेलोसिटी होगा वो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी अप द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए। तो आइए ये कंडीशन लिखते हैं, इस कंडीशन पे अप द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा ये बराबर होगा एम जी साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन के, प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एफ लिमिटिंग के। तो इस इक्वेशन से जो वेलोसिटी मिलेगा ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा अप द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए, भी मैक्स मिलेगा इस कंडीशन से। ठीक और अगर
ये वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम हो गया, अगर ये वेलोसिटी कम हो गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा कम पर जाएगा एम जी साइन थीटा से, तो ये गाड़ी डाउन द इंक्लाइंड स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो इस गाड़ी पे फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा। इस कंडीशन पे, इस गाड़ी पे फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन आएगा। ये वेलोसिटी और कम करेंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड होके mg sin थीटा के बराबर होना है इस गाड़ी को डाउन द प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। तो जिस वक्त mv स्क्वायर बाय r cos थीटा और इस डायरेक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों का एडिशन जिस वक्त mg sin थीटा के इक्वल होगा, उस वक्त जो इस गाड़ी का वेलोसिटी होगा वो इस गाड़ी का मिनिमम वेलोसिटी होगा इस गाड़ी को डाउन द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए। तो आइए ये कंडीशन भी यहां पे लिखते हैं। डाउन द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस एफ लिमिटिंग, ये दोनों का एडिशन बराबर होना चाहिए एम वी, ये एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा के। तो इस इक्वेशन से जो भी मिलेगा वो भी मिनिमम होगा, वो भी मिनिमम होगा इस गाड़ी को डाउन द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन दिख रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, और यहां पे इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा के। ये है नॉर्मल रिएक्शन, इस कॉन्टैक्ट का दबाव। और एफ लिमिटिंग होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस इंक्लाइंड रोड और गाड़ी के टायर के कॉन्टैक्ट का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन मिल गया है, म्यू भी पता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं यहां से म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के यहां पे पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से भी मैक्स मिलेगा, और यही लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से भी मिनिमम मिलेगा इस गाड़ी को अप या डाउन स्लिप नहीं करने के लिए। भी मैक्स और भी मिनिमम निकाल सकते हैं हम लोग, तो आइए निकाल के देखते हैं। ला 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 हे 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 तो आइए देखते हैं, भी मैक्सिमम वाला ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन से जो वेलोसिटी मिलेगा इस गाड़ी का सर्कुलर टर्निंग पे, वो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा अप द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। और इस गाड़ी पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा के बराबर है, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये म्यू है गाड़ी के टायर और रोड के कॉन्टैक्ट का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन भी पता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस टायर पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ये निकाल सकते हैं म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और ये गाड़ी अगर अंडर रूट आर जी टेन थीटा इतने वेलोसिटी से चलेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और इससे ज्यादा वेलोसिटी से चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। तो आइए अब इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं अप द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसी इक्वेशन से आएगा, अभी अभी देखे हैं। तो इस इक्वेशन में एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा और इक्वल टू एफ लिमिटिंग म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा
एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ये, और प्लस एम जी साइन थीटा, प्लस एम जी साइन थीटा। यहां से इस म्यू को अंदर ले जाएंगे तो म्यू इसके साथ में भी आएगा और इसके साथ में भी आएगा, तो यहीं पे कर देते हैं। इस म्यू को अंदर ले जाएंगे तो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, ये ऐसे। यहां पे मास से मास से मास कट जाएगा, तो एम से एम से एम से एम कट जाएगा और ये आएगा वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर बाय आर म्यू साइन थीटा, वी स्क्वायर बाय आर म्यू साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, प्लस जी साइन थीटा, ये। तो यहां से भी निकालेंगे तो भी वाले टर्म को एक तरफ करेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस वी स्क्वायर बाय आर म्यू साइन थीटा, माइनस वी स्क्वायर बाय आर म्यू साइन थीटा इक्वल टू ये जी साइन थीटा पहले से इस तरफ है और ये म्यू जी कॉस थीटा पहले से इसी तरफ है, इक्वेलिटी के इसी तरफ, तो प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये। तो ऊपर में मिटा के इसको लिखते हैं फिर से। तो इसमें से भी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लेते हैं तो भी स्क्वायर बाय आर ये कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इक्वल टू इन दोनों में से जी कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, जी कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये। तो यहां से भी इक्वल टू, यहां से भी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, ये आर इस तरफ मल्टीप्लाई में आएगा तो आर जी, आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और बाय में आएगा ये टर्म कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये। और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा, और इस इक्वेशन से ये वेलोसिटी लाए हैं तो इस इक्वेशन से जो वेलोसिटी मिलेगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा इस गाड़ी का अप द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए, तो ये भी मैक्स है, भी मैक्स है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। अब इस इक्वेशन में इस डिवाइड के ऊपर वाले टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं और नीचे वाले टर्म को भी कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो भी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी, आर जी इंटू इस टर्म को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये साइन बाय कॉस टेन थीटा हो जाएगा, प्लस इस टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा वन हो जाएगा, ये म्यू बचेगा म्यू, और डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा वन आएगा और ये माइनस म्यू और फिर साइन थीटा और बाय कॉस थीटा करेंगे इसमें भी तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, तो म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा, ये आएगा। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी इस सर्कुलर टर्निंग पे इस गाड़ी को अप द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। तो इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी इस इंक्लाइंड सर्कुलर टर्निंग पे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गाड़ी अप द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप कर जाएगा। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको याद कर लेना है। मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफली टर्न एट इंक्लाइंड सर्कुलर टर्निंग, और ये इंक्लाइनेशन थीटा है जो इस फॉर्मूला में मौजूद है, ठीक। तो
तो इसको यहां पे लिख लेते हैं और अब निकालते हैं इस गाड़ी का मिनिमम वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। आइए, वी मैक्स ये आया है अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू, यानी कि म्यू प्लस टेन थीटा, और बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है इस टर्निंग पे इस गाड़ी का सेफली टर्न करने के लिए। अब मिनिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए जो इक्वेशन आया था वो आया था mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r cos थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन। mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r cos थीटा प्लस f लिमिटिंग। इस इक्वेशन से जो वेलोसिटी मिलेगा वो इस गाड़ी का इस इंक्लाइंड सर्कुलर टर्निंग पे मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। इससे जो वेलोसिटी मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा सेफली टर्न करने के लिए। तो आइए इसमें एफ लिमिटिंग पुट करते हैं, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर cos थीटा प्लस f लिमिटिंग। f लिमिटिंग म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहां पे दिख रहा है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा प्लस ये म्यू इसके साथ में भी आएगा, तो म्यू mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। ये तो यहां से भी निकालना है, तो मास से मास कट जाएगा, और ये भी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस यहां पे भी है भी स्क्वायर बाय आर म्यू साइन थीटा। तो इन दोनों को, इन दोनों में से भी स्क्वायर बाय आर यहां पे कॉमन ले लेते हैं, तो भी स्क्वायर बाय आर कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा कॉस थीटा, और इसमें बचेगा म्यू साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये और इस तरफ जी साइन थीटा पहले से है, जी साइन थीटा, और इस तरफ से ये आएगा, ये इस तरफ से इस तरफ आएगा म्यू जी कॉस थीटा। तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये तो यहां से भी मिल जाएगा, और यहां से जो भी मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा डाउन द इंक्लाइन स्लिप नहीं करने के लिए। तो आइए इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर में। तो यहां से भी स्क्वायर बाय आर, ये इक्वल टू होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये टर्म इसके डिवाइड में आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये तो यहां से भी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ये आर इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इन दोनों में से जी कॉमन ले लेते हैं, तो जी कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये, और नीचे में ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये। अब फिर से वही काम, इस इक्वेशन को इस डिवाइडर के ऊपर वाले टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, और नीचे वाले इस टर्म को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो भी स्क्वायर इक्वल टू आएगा आर जी इनटू, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस टेन थीटा, और माइनस म्यू,
और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा वन हो जाएगा, तो यहां ओनली म्यू रहेगा, और फिर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि इस टर्म को भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा वन, और प्लस म्यू इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा होगा यहां पे ये, और इस भी पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। तो यहां पे जो भी मिला है ये मिनिमम वेलोसिटी मिला है इस गाड़ी का डाउन द इंक्लाइन स्लिप नहीं करने के लिए, तो ये भी मिनिमम है डाउन द इंक्लाइन स्लिप नहीं करने के लिए। आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा, ये मिनिमम वेलोसिटी है डाउन द इंक्लाइन स्लिप नहीं करने के लिए। अब इस भी मिनिमम को, मिनिमम वेलोसिटी को भी यहां पे लिख लेते हैं। देखिए भी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू म्यू, आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू, टेन थीटा माइनस म्यू बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा, वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो इस गाड़ी का वेलोसिटी इस इंक्लाइंड सर्कुलर टर्निंग पे अप या डाउन स्लिप नहीं करने के लिए मैक्सिमम इतना होना चाहिए और मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी वेलोसिटी है तो यह गाड़ी अप या डाउन द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करेगा। यहां पे एक चीज बताइए, यह गाड़ी सिंपली इस बैंक्ड टर्निंग पे खड़ा है, यह चल नहीं रहा है, इसका यह वेलोसिटी जीरो है। तो यह भी मिनिमम जीरो हो गया तो यह गाड़ी डाउन द इंक्लाइंड स्लिप कर जाएगा क्या? नहीं करता है। गाड़ी अच्छे से टर्निंग पे खड़ा रह जाता है, ये डाउन द इंक्लाइन स्लिप नहीं करता है। और हम लोगों को एक चीज पता है, एंगल ऑफ इंपोज या फिर एंगल ऑफ रिपोज, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस इंक्लाइंड प्लेन का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो अगर ये एंगल ज्यादा हो गया एंगल ऑफ इंपोज से, एंगल ऑफ इंपोज या एंगल ऑफ रिपोज से, और एंगल ऑफ रिपोज होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, अगर इससे ज्यादा हो गया ये एंगल, तो ये ऑब्जेक्ट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप कर जाएगा। और अगर ये एंगल एंगल ऑफ इंपोज से कम है तो ये ऑब्जेक्ट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करेगा, सिंपली यहां पे रखा रहेगा। तो वही बात है यहां पे, ये एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड एट अ टर्निंग, ये थीटा कम होता है एंगल ऑफ इंपोज से, एंगल ऑफ इंपोज से। तो यहां पे इस टर्निंग पे ये गाड़ी सिंपली खड़ा भी रहेगा तब भी डाउन द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करेगा। तो इस भी मिनिमम का कोई मतलब नहीं बनता, भी मिनिमम प्रैक्टिकली जीरो होता है, फिर भी अगर पूछ दे तो इस ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहां पे क्वेश्चन आएगा भी मैक्स पे, इस पे, तो भी मैक्स पे आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग को भी इंक्लूड करेंगे। आइए, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए गाड़ी का। ये हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग है, इस पे एक गाड़ी चल रहा है, इस टर्निंग का रेडियस 5 मीटर है, और गाड़ी के टायर और रोड के कॉन्टेक्ट का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 ले लेते हैं। तो इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि ये सेफली टर्न कर जाए। तो भी मैक्स हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग के लिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं,
ये आया था अंडर रूट म्यू आर जी, तो ये आएगा अंडर रूट म्यू का वैल्यू 0.5, रेडियस है इस सर्कुलर टर्निंग का 5, इंटू जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट से ये 10 कट जाएगा और ये आएगा अंडर रूट 5 × 5, तो भी मैक्स मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आया। इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर इस सर्कुलर टर्न पे टर्न करेंगे तो रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा गाड़ी। अब इसी सर्कुलर टर्निंग को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा के देखते हैं, 10 डिग्री के एंगल पे उठा के देखते हैं कि सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम स्पीड कितना आता है। आइए इसी हॉरिजेंटल टर्निंग को हॉरिजेंटल के साथ 10 डिग्री के एंगल पे थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, 10 डिग्री के एंगल पे उठा दिए हैं और अब इसी गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी देखते हैं कितना आता है ताकि ये सेफली टर्न कर जाए। ये मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स फाइंड करना है और इसका रेडियस 5 मीटर है, यही टर्निंग है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0.5 ही है, 0.5 ही है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। इस तरफ लिख लेते हैं 0.5 है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए इस डाटा को इसमें पुट करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का सेफली टर्निंग के लिए बैंक्ड वाले टर्निंग पे, जो टर्निंग हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा है उस पे मैक्सिमम वेलोसिटी ये है सेफली टर्निंग के लिए। तो इसमें इस डाटा को पुट करते हैं तो भी मैक्स मिलेगा अंडर रूट आर जी और रेडियस है 5 और जी का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे तो 5 × 10 50 × μ, म्यू है 0.5 प्लस 10 थीटा, थीटा का वैल्यू यहां पे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री, ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू का वैल्यू 0.5 और 10 डिग्री ये, और 10 डिग्री का वैल्यू लगभग 0.18 आता है। ये आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 10 डिग्री का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो भी मैक्स मिलेगा अंडर रूट 50 × 0.5 प्लस 10 डिग्री का वैल्यू 0.18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 × 10 डिग्री का वैल्यू 0.18 ये। तो यहां से भी मैक्स मिलेगा अंडर रूट 50 × 0.5 + 0.18, ये आएगा 8 और 5 + 1 = 6.0, 0.68 ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 × 0.18 तो 18 × 5 = 90 और 90 के डिवाइड में आएगा 1 पे 1, 2, 3, 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट है और यहां पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहां पे 3 जीरो आएगा नीचे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये आएगा 9/100 और 9/100 यानी कि 0.09, तो यहां पे आएगा 0.09। अब इसी चीज को यहां पे ऊपर में लिखते हैं, भी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट 50 × 0.68, यहां से पॉइंट हटा देते हैं, नीचे में 100 लिख देते हैं
और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.09। तो 1 में से 0.09 को कट करेंगे तो ये आएगा 10 में से 9, 1, और ये 9 में से 0, 9.0 में से 0, 0, 0.91। तो यहां पे लिखा जा सकता है 0.9, इस 1 को छोड़ देते हैं ये, तो 50 से ये 100 कटेगा 2, और 2 से ये 68 कटेगा 34। तो भी मैक्स आएगा अंडर रूट 34 बाय 0.9। तो यहां से अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा, तो ये होगा 340/9, और 9 से अगर इसको कट करेंगे तो ये आएगा 9 तिया 27, और 27 और 7 34, तो 7 पे 1 0 70, तो 9 7 63, 9 8 तो 72 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 7 63। और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे अब, क्योंकि 70 में से 63 जाएगा तो 7 बचेगा शेष में, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 7 पे 1 0 आएगा, तो फिर से लगेगा 9 7 63, तो ये 7 7 ऐसे ही आता रहेगा, तो यह आया 37.7। तो भी मैक्स मिला अंडर रूट 37.7। तो यहां पे एक चीज देखिए, इस टर्निंग पे, इसी टर्निंग को जब हॉरिजेंटल के साथ 10 डिग्री पे इंक्लाइंड कर दिए हैं, तो अब इस टर्निंग पे मैक्सिमम वेलोसिटी, सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गया है। ये क्वांटिटी अंडर रूट 37.7, अंडर रूट 37.7, ये मोर देन 5 है, तो भी मैक्स ज्यादा हो गया है उसी टर्निंग पे जिस टर्निंग को हॉरिजेंटल के साथ 10 डिग्री पे उठा दिए हैं, इंक्लाइंड कर दिए हैं, तो भी मैक्स बढ़ गया है सेफली टर्निंग के लिए। तो आप लोग ये चीज देखे भी होंगे, नेशनल हाईवे पे, एनएच पे, टर्निंग पे रोड को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा दिया जाता है, क्योंकि एनएच पे गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो 5 से ज्यादा भी होगा तब भी गाड़ी सेफली टर्न कर जाएगा, ठीक। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए ध्यान से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मोटरसाइकिल या कार मौत कुआं के वॉल पे चलता है पर नीचे नहीं गिरता, इसका रीजन समझ लेते हैं। आइए, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि सर्कुलर टर्निंग पे रोड को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे उठा दिया जाता है, बैंक कर दिया जाता है, तो सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होता है अंडर रूट आरजी इंटू म्यू प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस म्यू 10 थीटा, और सेफली टर्न करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इससे या इससे। पर रोड के केस में सर्कुलर टर्निंग पे मिनिमम वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रोड पे अगर सर्कुलर टर्निंग पे गाड़ी खराब भी है तब भी डाउन द इंक्लाइन स्लिप नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकली मिनिमम वेलोसिटी 0 होता है रोड के केस में। ये एंगल ऑफ इंपोज से कम होता है, तो इस पे खरा गाड़ी भी डाउन द इंक्लाइन स्लिप नहीं करेगा, ठीक। लेकिन इसी टर्निंग को अगर हॉरिजेंटल के साथ और उठा देंगे, और अच्छा खासा एंगल पे उठा देंगे, तो ये एंगल ऑफ इंपोज से ज्यादा हो जाएगा, और इस रोड पे खड़ा गाड़ी भी डाउन द इंक्लाइन स्लिप कर जाएगा। वही तो है मौत कुआं का वॉल। अगर ये एंगल ज्यादा कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये मौत कुआं का वॉल बन जाएगा, ऐसे ऐसा होता है मौत कुआं का वॉल, और इस पे है ये गाड़ी।
इस पे ये गाड़ी इस तरह से घूम रहा है, और हॉरिजेंटल के साथ इस मौत कुआं का वॉल थीटा डिग्री के एंगल पे है, और ये थीटा एंगल ऑफ इंपोज से ज्यादा होता है मौत कुआं के वॉल के केस में, ये थीटा ज्यादा होता है एंगल ऑफ इंपोज से, या रिपोज से। ठीक, तो मौत कुआं के वॉल पे खड़ा गाड़ी भी डाउन द इंक्लाइंड स्लिप कर जाएगा, गिर जाएगा नीचे, अगर इस गाड़ी को यहां पे खड़ा करेंगे तो, वेलोसिटी जीरो कर देंगे तो ये डाउन द इंक्लाइंड स्लिप कर जाएगा, क्योंकि ये एंगल एंगल ऑफ इंपोज से ज्यादा है। तो इस गाड़ी को अप द इंक्लाइंड स्लिप नहीं करने के लिए इस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, और फिर इस गाड़ी को डाउन द इंक्लाइंड यानी कि नीचे नहीं गिरने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक, तो ये है मौत कुआं का वॉल, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। ठीक, और अगर इस मौत कुआं का ये वॉल हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री पे आ गया तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा नीचे नहीं गिरने के लिए, अगर मौत कुआं का वॉल ऐसा हो गया हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री पे आ गया, तो अब इस गाड़ी को नीचे नहीं गिरने के लिए इस गाड़ी का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो नीचे नहीं गिरने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में इस एंगल को पुट करेंगे तो मिल जाएगा मिनिमम वेलोसिटी नीचे नहीं गिरने के लिए। तो इसमें अगर ये एंगल 90 डिग्री पुट करेंगे इसमें, तो साइन 91 और कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म वन हो जाएगा, तो ऊपर में आरजी बचेगा और नीचे में न्यू और साइन थीटा वाला टर्म वन हो जाएगा 90 डिग्री पे, और कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, तो यहां पे नीचे में ओनली म्यू बचेगा, तो अंडर रूट आर जी बाय म्यू होगा, तो भी मिनिमम अंडर रूट आर जी बाय म्यू ये होगा। यानी कि मौत कुआं का वॉल अगर हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है तो इस गाड़ी का मिनिमम स्पीड मौत कुआं के वॉल पे मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी अंडर रूट आर जी बाय म्यू होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया इस गाड़ी का वेलोसिटी तो ये गाड़ी नीचे गिर जाएगा। ठीक, ये चीज एक और तरीका से देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं ये चीज, देखिए एक्चुअल में मौत कुआं का वॉल इस तरह से होता है, हॉरिजेंटल के साथ एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं होता है, 90 डिग्री से कम होता है ये एंगल, लेकिन हम लोग समझने के लिए एग्जैक्ट 90 डिग्री पे मौत कुआं के वॉल को ले लेते हैं और इस पे सर्कुलर मोशन कराते हैं किसी कार या मोटरसाइकिल को, और फिर इसका भी मिनिमम यानी कि मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट आर जी बाय म्यू होता है। तो देखिए ये चीज एक और तरीका से देख सकते हैं, ये मौत कुआं का वॉल है जो हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री पे है और इस पे एक गाड़ी चल रहा है, और इस गाड़ी का वेलोसिटी ये भी मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये गाड़ी नीचे नहीं गिरे, तो ये तो पता है इससे अभी अभी देखे हैं अंडर रूट आरजी बाय म्यू आया है, पर एक और तरीका से देख लेते हैं, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, और इस गाड़ी के टायर पे इस वॉल इस गाड़ी के टायर और वॉल के बीच कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन होगा, दबाव होगा जो इस गाड़ी पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और ये गाड़ी इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv2/r। अब इस कांटेक्ट में दबाव है तो वेट के वजह से ये गाड़ी नीचे गिरना चाहेगा पर फ्रिक्शन इसको ऊपर उठा लेगा, नीचे गिरने नहीं देगा ये फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन है इस कॉन्टैक्ट का दबाव, और इस गाड़ी का मोशन
इस वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और एमवी स्क्वायर बाय आर बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर एमवी स्क्वायर बाय आर। और ये म्यू है इस मौत कुआं के वॉल के सरफेस का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ लिमिटिंग आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एमवी स्क्वायर बाय आर। ये तो अगर इस गाड़ी को नीचे नहीं गिरना है तो ये फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा होना चाहिए इस mg से, तभी इस गाड़ी को ये फ्रिक्शन संभाल लेगा नीचे गिरने से। यानी कि फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा होना चाहिए mg से, और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर, म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये ज्यादा या फिर बराबर भी होगा तो भी चलेगा, ज्यादा या इक्वल होना चाहिए एम जी से। तो यहां पे एम से एम कटेगा और ये वेलोसिटी आएगा, इसको यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। वेलोसिटी वी स्क्वायर ग्रेटर या इक्वल, वी स्क्वायर ग्रेटर या इक्वल आएगा R इंटू जी और ये म्यू बाय में आएगा, R इंटू जी बाय म्यू। इससे भी ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए अंडर रूट आर जी बाय म्यू के। यानी कि इस गाड़ी का टेंजेंशियल वेलोसिटी, घूमने का रफ्तार अंडर रूट आर जी बाय म्यू से ज्यादा या फिर अंडर रूट आर जी बाय म्यू के बराबर होना चाहिए, अंडर रूट आर जी बाय म्यू से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा, mg भारी पड़ जाएगा इस फ्रिक्शन पे। तो यहां से भी मिनिमम यही आया, अंडर रूट आर जी बाय म्यू, यही ठीक। तो मौत कुआं के वॉल पे चल रहे मोटरसाइकिल या कार का कम से कम वेलोसिटी अंडर रूट आर जी बाय म्यू होना चाहिए, तो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो इसको देखिए ध्यान से, आइए अब साइकिल या मोटरसाइकिल का मैक्सिमम स्पीड देख लेते हैं किसी टर्निंग पे कितना होना चाहिए सेफली टर्न करने के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल का मैक्सिमम स्पीड हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे कितना होना चाहिए ताकि वो सेफली टर्न कर सके। आइए, स्पीड ऑफ साइकिल या मोटरसाइकिल एट अ हॉरिजेंटल टर्निंग फॉर सेफली टर्न। साइकिल या मोटरसाइकिल में टू व्हील यानी कि दो चक्का होता है। ये मान लीजिए एक हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग है और इस टर्निंग पे एक साइकिल चल रहा है, एक साइकिल इस तरह से चल रहा है। ये साइकिल इस तरह से चल रहा है, ये साइकिल एकदम वर्टिकली खड़ा होके चल रहा है हॉरिजेंटल टर्निंग पे। तो इस साइकिल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और इस साइकिल के टायर पे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। और ये साइकिल मान लेते हैं इस टर्निंग पे v वेलोसिटी से चल रहा है, इस टर्निंग का रेडियस है r। तो इस साइकिल पे, इस टर्निंग पे अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है, और इस साइकिल का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पे होगा, इस साइकिल के मास का सेंटर इधर कहीं पे होगा। तो इस पॉइंट पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये साइकिल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने की कोशिश करेगा। तो इसके टायर पे, रोड और टायर के कॉन्टेक्ट में इसके टायर पे लगेगा फ्रिक्शन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये फ्रिक्शन इस साइकिल को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने से बचा लेगा।
तो इस साइकिल को इस डायरेक्शन में स्किड करने से बचाने के लिए इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये साइकिल रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में स्किड करने से बचेगा। यानी कि स्किड से अगर बचाना है, नो स्किडिंग, नो स्किडिंग। इसके लिए ये mv²/r, ये सेंट्रीफ्यूगल कम होना चाहिए इस फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से, mv²/r कम होना चाहिए या फिर इक्वल भी होगा तब भी चलेगा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू एफ लिमिटिंग म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये म्यू है इस रोड का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन है रोड और टायर के बीच कॉन्टेक्ट का दबाव। क्योंकि साइकिल इस हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे इस तरह से चल रहा है, तो साइकिल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और साइकिल पे रोड और टायर के कॉन्टेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, और इस साइकिल का मोशन रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो फोर्स बैलेंस होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg। तो यहां से एफ लिमिटिंग आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि mg। तो इस डायरेक्शन में एफ लिमिटिंग आया म्यू mg। तो आइए अब एफ लिमिटिंग यहां पे पुट करते हैं इस कंडीशन में, स्किड नहीं करने वाले कंडीशन में, तो एफ लिमिटिंग आया म्यू mg। तो mv²/r लेस या इक्वल होगा एफ लिमिटिंग म्यू mg से, तो ये स्किड नहीं करेगा रेडियल डायरेक्शन में, यहां पे m से m कटेगा, और v का वैल्यू, v² का वैल्यू लेस या इक्वल होगा म्यू g इंटू r के, म्यू जी इंटू आर, और स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो इस पे रूट आएगा, इस पे रूट आएगा ये। यानी कि साइकिल को रेडियल डायरेक्शन में रेडियली आउटवार्ड स्किड नहीं करने के लिए इस साइकिल का वेलोसिटी इस टर्निंग पे अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर या फिर अंडर रूट म्यू आर जी से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ये साइकिल रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करेगा, ये फाइनल है, क्योंकि mv²/r इस फ्रिक्शन के बराबर होगा इस कंडीशन पे। लेकिन आप एक चीज यहां पे सोच के देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे लग रहा है और फ्रिक्शन इस कॉन्टेक्ट में लग रहा है टायर पे, तो दोनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे है। भले ही ये दोनों फोर्स इस कंडीशन पे बराबर होगा तो ये साइकिल इधर या इधर स्किड नहीं करेगा, लेकिन फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे है। अगर इस मार्कर पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं और इसी मार्कर पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगा दूं, इधर, तो इस मार्कर पे फोर्स बैलेंस है, इधर 5 न्यूटन और इधर भी 5 न्यूटन, पर दोनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे है, तो ये मार्कर न इधर जाएगा न इधर जाएगा क्योंकि फोर्स इस पे बैलेंस है। पर आप ठीक से सोचिए तो ये मार्कर इस तरह से घूम जाएगा। अगर इस मार्कर पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं और 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगा दूं, तो ये मार्कर न इधर जाएगा न इधर जाएगा, पर ठीक से सोच के देखिए ये मार्कर इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा मार्कर। तो यही चीज यहां पे है, इस कंडीशन पे ये mv²/r और फ्रिक्शन बराबर होगा तो ये स्किड तो नहीं करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, पर ये साइकिल इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में, ऐसे टपल कर जाएगा। तो इस टॉपलिंग से बचाने के लिए साइकिल को टर्निंग पे वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे ऐसे टिल्ट करके टर्न करते हैं, तो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टिल्ट कर देने के बाद टर्न करने से ये साइकिल रेडियली आउटवार्ड डायरेक्शन में टपल नहीं करेगा। आइए इसको करके देख लेते हैं, आइए।
इसका भी आया है लेस या इक्वल होना चाहिए अंडर रूट म्यू जी आर से, ये पर इतने वेलोसिटी पे ले जाएंगे, इस कंडीशन पे ले जाएंगे तो ये स्किड तो नहीं करेगा बट टिल्ट कर जाएगा, घूम जाएगा ऐसे। तो घूमने से बचाने के लिए क्या करेंगे, इस साइकिल को वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टिल्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे टिल्ट कर देंगे। ऐसे तो अब क्या होगा, साइकिल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, साइकिल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, साइकिल का वेट भी साइकिल के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और साइकिल का वेलोसिटी मान लेते हैं भी है और इस सर्कुलर टर्निंग का रेडियस यही है r। तो इस साइकिल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम भी स्क्वायर बाय आर। और ध्यान से देखिए तो ये साइकिल ग्राउंड पे, ग्राउंड को इस डायरेक्शन में दबा रहा है, साइकिल वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टिल्ट हो गया है तो ग्राउंड को इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है, तो ग्राउंड साइकिल पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये ग्राउंड इस साइकिल पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल और वेट इन फोर्सेज को लेके फोर्स बैलेंस करते हैं, यहां पे फ्रिक्शन नहीं लेंगे। तो देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड और एक कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड, और ये एंगल है थीटा कि साइकिल इस सर्कुलर टर्निंग पे वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे टिल्ट हो गया है, ये एंगल है थीटा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और इसी नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट ले लिए, अब यहां से इस नॉर्मल रिएक्शन को हटा देते हैं और अब इस साइकिल पे फोर्स बैलेंस करते हैं। तो एन साइन थीटा बराबर होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर के और एन कॉस थीटा बराबर होना चाहिए इस साइकिल के वेट के एम जी के। तो ये साइकिल आसानी से टर्निंग पे टर्न कर जाएगा, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट नहीं करेगा अगर ये फोर्सेज बैलेंस होगा तो। इस पे फोर्स बैलेंस यहां पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर और एन कॉस थीटा बराबर एम जी, एन कॉस थीटा बराबर एम जी। तो ये दो इक्वेशन मिला, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से इस साइकिल का स्पीड और वर्टिकल के साथ साइकिल का टिल्टेड एंगल कितना होना चाहिए, इस स्पीड और एंगल में रिलेशन मिलेगा। तो वहीं से हम लोग पता करेंगे कि साइकिल का स्पीड अगर टर्निंग पे इतना है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टपल नहीं करने के लिए साइकिल को वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके टर्न करेंगे। ठीक, तो यहां पे करते हैं फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकेंड, तो एन से एन कटेगा साइन बाय कॉस टेन थीटा, ये इक्वल टू आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी, एम वी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी। तो यहां से एम कटेगा और टेन थीटा इक्वल टू भी स्क्वायर बाय आर जी, ये आएगा। अगर टर्निंग पे साइकिल का स्पीड पता है तो टर्निंग पे साइकिल को वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके टर्न कराएंगे, ये एंगल मिल जाएगा। और इतने एंगल पे अगर टर्न कराएंगे तो साइकिल सेफली टर्न हो जाएगा। यहां से ये भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू आर जी टेन थीटा और इस पे रूट, v इक्वल टू आर जी टेन थीटा और इस पे रूट, ये।
यानी कि ये एक रिलेशन है साइकिल के वेलोसिटी और वर्टिकल के साथ टेल्टेड एंगल में। आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। आइए, तो देखिए एक क्वेश्चन है कि एक हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग है और इस टर्निंग पे एक साइकिल चल रहा है और इस साइकिल का वेलोसिटी पता करना है। इस हॉरिजेंटल टर्निंग का रेडियस है 5 मीटर और इस रोड का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। तो इस साइकिल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि ये साइकिल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करे। तो भी मैक्स अभी हम लोग निकाले थे, ये अंडर रूट म्यू आर जी, ये आया था अंडर रूट म्यू 0.4, रेडियस 5 मीटर और जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, 4 × 5 = 20, अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड। ये यानी कि इस साइकिल को इस टर्निंग पे अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ले जाएंगे तो ये साइकिल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करेगा। अब वेलोसिटी मिल गया है तो एंगल भी मिल जाएगा कि वर्टिकल के साथ साइकिल को कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके ले जाए, क्योंकि इस साइकिल को स्किड करने से भी बचाना है और घूमने से भी बचाना है। तो घूमने से बचाने के लिए एंगल मिल जाएगा क्योंकि ये स्पीड मिल गया है। तो एंगल और स्पीड में एक रिलेशन था v² = rg 10θ। ये तो यहां पे v स्क्वायर के जगह पे ये रखेंगे वेलोसिटी का ये वैल्यू, तो v पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहां पे आएगा 20 = rg और रेडियस है इस टर्निंग का 5, g का वैल्यू 10 और 10θ, तो यहां से थीटा मिल जाएगा। 5 से ये कटेगा 4, तो ये आएगा 10θ = 4/10, 4/10 यानी कि 0.4। तो एंगल मिला यहां से 10θ = 0.4, तो θ = tan inverse 0.4। ये तो इतने स्पीड से अगर ले जाना है तो वर्टिकल के साथ साइकिल को tan inverse 0.4 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके ले जाएंगे तो आसानी से साइकिल टर्न कर जाएगा। इसको देखते हैं, फिगर में भी दिखा सकते हैं इसको हम लोग, कि सर्कुलर टर्निंग पे साइकिल को वर्टिकल के साथ थीटा, और ये थीटा होना चाहिए 10 इनवर्स 0.4, इतने डिग्री के एंगल पे अगर इस साइकिल को ले जाएंगे तो ये साइकिल आसानी से टर्न कर जाएगा। इसका स्पीड है अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड, यही आया था। तो ये एंगल 10 इनवर्स 0.4 होना चाहिए, ठीक। तो साइकिल या मोटरसाइकिल, टू व्हील वाले गाड़ी को टर्निंग पे टर्न कराने के लिए एंगल भी बनाना पड़ता है वर्टिकल के साथ, तो स्पीड के हिसाब से एंगल आएगा। और स्पीड और एंगल में रिलेशन पता है तो अब निकाल लेंगे, स्पीड पता रहेगा तो एंगल निकाल लेंगे कि कितने एंगल पे टिल्ट करके ले जाना है, ठीक। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए अब किसी सर्कुलर टर्निंग पे, किसी हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग पे ज्यादा हाइट वाला गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टपल क्यों कर जाता है, ये समझ लेते हैं। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आइए, ये मान लीजिए एक हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्निंग है और इस पे एक गाड़ी चल रहा है, पर इस गाड़ी का हाइट थोड़ा ज्यादा है और इस टर्निंग का रेडियस है r और इस गाड़ी का वेलोसिटी है v इस टर्निंग पे। तो इस टर्निंग पे इस गाड़ी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा,
इस गाड़ी के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर, और इस गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस गाड़ी का स्पीड स्किड नहीं करने के लिए कितना होना चाहिए, ये हम लोग निकाले थे। स्किड नहीं करने के लिए, फॉर नो स्किडिंग, स्किड नहीं करने के लिए इस गाड़ी का वेलोसिटी लेस या इक्वल होना चाहिए अंडर रूट म्यू जी आर से, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। लेकिन इस गाड़ी का हाइट थोड़ा ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन है वो टायर पे कॉन्टेक्ट में लग रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। और इस गाड़ी का वेलोसिटी अगर इतना है अंडर रूट म्यू जी आर या फिर अंडर रूट म्यू जी आर से कम है तो ये गाड़ी स्किड नहीं करेगा, ये तो फाइनल है। पर यहां पे भी फिर से वही केस कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे है, फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है यहां पे, तो ये स्किड तो नहीं करेगा, पर इन दोनों फोर्स की वजह से ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टपल कर सकता है, ऐसे घूम सकता है। वही बात इस गाड़ी पे इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर मान लेते हैं 10 न्यूटन है, टायर पे फ्रिक्शन लग रहा है ये भी मान लेते हैं 10 न्यूटन है, वेलोसिटी इस कंडीशन के अंदर में है तो फोर्स बैलेंस है, तो ये गाड़ी स्किड तो नहीं करेगा। पर ध्यान से देखिए तो ये गाड़ी इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये गाड़ी टपल कर सकता है अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा खासा रहा तो। तो टपल करने से बचाने के लिए, ये तो साइकिल या मोटरसाइकिल है नहीं कि कुछ एंगल पे टेल्ट कर देंगे वर्टिकल के साथ, तो इसका ये वेलोसिटी ही कम करना पड़ेगा ताकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे टपल करने से बच जाए। तो इसको टॉपलिंग से बचने के लिए ये वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है इस गाड़ी के विड्थ पे, इस गाड़ी की चौड़ाई पे कि गाड़ी चौड़ा कितना है, ये डिपेंड करता है इस गाड़ी के हाइट पे कि गाड़ी का हाइट कितना है, और इसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगता है। स्किडिंग से बचाने के लिए फोर्स बैलेंस कर दिए और टॉपलिंग से बचाने के लिए टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, तो इसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा, और टॉर्क रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ेंगे, तो रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क पढ़ने के बाद फिर से एक बार टॉपलिंग वाले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक, अभी इतना समझ में आया होगा कि ज्यादा हाइट वाले गाड़ी के सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और फ्रिक्शन इस कॉन्टेक्ट में लगता है टायर पे, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है जिसके वजह से ये गाड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कर जाता है, घूम जाता है, टपल कर जाता है। ठीक, तो अभी इतना समझिए। तो इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर टर्निंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब आप लोग सर्कुलर टर्निंग पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में वर्क पावर एंड एनर्जी शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।